सर, जैसे कि गाना आ चुका है, रिलीज हो चुका है, सारी मेहनत हमें दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर, तो क्या क्या फील हो रहा है अभी? फील तो अच्छा ही है, मतलब वी ऑल हैप्पी एंड ऑफ कोर्स खुशी का मौका है. गाना रिलीज है, अब हर पूरी दुनिया उस गाने को देख सकती है हमारे खुद के चैनल पे जो हम लेके आ रहे हैं सब लोग मिलकर, द म्यूजिक गुरुज. सो वी ऑल आर वेरी 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 हैप्पी ऑफ कोर्स. ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस था पूरे गाने का एंड शूट का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. नर्वसनेस तो बहुत थी, बट दीज टू मेंस एट द कॉर्नर मेड माई लाइफ ईजी एट द शूट. बहुत अच्छे से स्मूथली सारी चीज़ें हो गई. आई डोंट नो हाउ डिफिकल्ट टाइम आई हैव गिवन देम, बट दे डिडंट लेट मी फील दैट. तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. अच्छा बोलने के लिए. ओके, आपसे जानना चाहूँ किस तरीके से इसका आइडिया आया कि इस तरीके का एक वीडियो बनाते हैं? सी, एस सच कोई स्पेसिफिक वो नहीं था कि एक आइडिया है. हमने पहले ये एक ट्रैक जो है, मैं और मेरा जो मित्र रणेंद्र श्रीवास्तव, एक्चुअली ये ट्रैक हमने कंपोज किया था, स्क्रैच बनाया था एक वेब सीरीज़ के लिए. तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नहीं बना. तो वहाँ पर जब मैं उन्होंने अप्रोच किया, तो मैं उन्होंने बोला कि सारे पैसे तुम्हें लगाने पड़ेंगे, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा. तो आई थॉट, यू नो, लेट्स नॉट, वाई नॉट, देन आई शुड डू इट माई सेल्फ. तो फिर वो उस गाने को पूरा बनाया, लिखा, कंपोज किया, फिर साथ साथ में कहानी भी लिखी उसकी. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं आया था. जब गाना बन के रेडी हुआ तो फील ये था कि गाने के साथ साथ कहानी भी उतनी रूहानी होनी चाहिए जितना गाना रूहानी है, सोलफुल जैसे कहते हैं. तो बस वो कहानी ब्रेक बनती गई, बनती गई, बनती गई, थॉट आते रहे, वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, करते 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 हो गया. आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप जुड़े हैं इस वीडियो के साथ में? We have started the channel together and we are into marketing, and obviously we are going to be coming up with much more content and videos with him, and yeah, that's how we are. She saw this video almost like 1 year back. Yeah. And since then she said that no, ye video market mein aana chahiye. This video should come out in the market. It's such an amazing video. सो फाइनली यार, वी आर टुगेदर एंड कोई और नहीं आया, बिकॉज एक इतने जेन्युइन तरीके से उन्होंने बोला कि दिस वीडियो शुड कम आउट इन द मार्केट. सो हम साथ में मिलकर मार्केट में लेके आए, तो इट इज़ नाइस. ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो और भी पहले आ जाता, लेकिन इनका स्केड्यूल जो है दो बजे के बाद ही मिलता है. सो इट डिडंट हैपन, इट टुक 1 year. सो आफ्टर 2 पीएम राइट नाउ वी आर कंपोजिंग, सो वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड वी आर कमिंग आउट विद लॉट मोर फॉर द फ्यूचर. ओके सर, काफी क्रिएटिव तरीके से आपने गाना डायरेक्ट किया है, जैसे कि हमने देखा है काफी अलग तरीके से. इसके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका इसको डायरेक्ट करने का? इसको डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस, एक्चुअली स्क्रिप्ट जब मेरे पास आया तो मैंने बोला था कि गाना सुनते हैं, गाना सुनने के बाद में कहानी सुनते हैं, और बात दोनों का तालमेल ठीक से बैठेगा तो अपन इसको करते हैं. जब मैं मिला स्क्रिप्ट को और मैंने गाना सुना और इसने मुझे जिस तरीके से कहानी सुनाई, तो आई वॉज ब्लोन. I said, गाना बहुत सोलफुल है, और ऐसे जैसे स्क्रिप्ट ने भी बताया कि रूहानी गाना है. तो बोथ द सॉन्ग एंड द वीडियो दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, द स्टोरी बेसिकली, एंड द काइंड ऑफ पैशन दिस गाय हैड वाइल ही वॉज नरेटिंग विद द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड द वे ही इज वर्कड ऑन द सॉन्ग्स, और जितने बार इसने वो गाना मेरे को भरा बजा के पागल कर दिया तो मुझे ऑन बोर्ड आना ही पड़ा. छोटा भाई है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ. सो बहुत पैशन से, बहुत मेहनत से क्रिप ने और पूरी टीम ने, इवन सिमरन ने भी बहुत मेहनत की है. पहली बार ही म्यूजिक वीडियो में डेब्यू हो रहा है सिमरन का, और बीइंग अ न्यू कमर, कम्प्लीटली फ्रेशर फॉर म्यूजिक वीडियोज. बाकी एक्टिंग एक अलग चीज़ है, और म्यूजिक वीडियोज़ में जब आप काम करते हैं तो वो एक अलग गेम है. वहाँ पर आपको यू हैव टू लुक गुड, साथ साथ इमोशंस तो डानी है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग गुड ऑल्सो. सो द एक्टर्स जॉब बिकम्स डबल डिफिकल्ट. सो बट बीइंग अ फर्स्ट टाइम अ न्यू कमर, शी एक्चुअली पुल्ड इट ऑफ रियली वेरी वेल, एंड क्रिप तो है सीजन एक्टर, और पूरी टीम ने बहुत मिलजुल के मेहनत की है. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कोई भी काम जो लोग देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें उस काम के अंदर कहीं ना कहीं वो टीम की एक एनर्जी होती है, उसकी एक ऑनेस्टी होती है जो ट्रांसलेट होती है स्क्रीन के ऊपर.
वही कारण है कि जैसे कि आप लोग भी देखे, आपने मुझे बोला कि वीडियो बहुत सुनफुल और अच्छा लग रहा है. सो इट्स नॉट मी, इट्स नॉट क्रिप, इट्स नॉट सिमरन, इट्स नॉट इंडिविजुअल सेपरेटली, इट्स द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम व्हिच इज हैज ट्रांसलेटेड सो ब्यूटीफुली ऑन स्क्रीन. And that's what is exciting, whoever is watching this video. आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि आप एक्टिंग भी करते हैं, इसमें आपने गाना भी गाया है, तो क्या ज़्यादा मुश्किल होता है एक्टिंग करना और गाना गाना? सी, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता. सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंटरव्यू में बैठ के इंटरव्यू देना जब मोबाइल बज रहे होता है. एंड यू स्टिल कॉन्सेंट्रेट दैट हाउ यू गोइंग टू फ्रेम योर आंसर. सो या कंटिन्यू. सो मैं वही पहले भी मैंने बोला था, मुश्किल कुछ भी नहीं होता. हम इंसान जो हैं वो हम हर कोई चीज़ कर सकते हैं. अगर एक इंसान अपना 0.5 माया दिमाग यूज़ करके कंप्यूटर बना सकता है, तो आई थिंक इफ वी स्टार्ट यूजिंग द सेम काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ आर लाइक माइंड, सो वी विल रॉक द वर्ल्ड, एवरीबॉडी विल रॉक द वर्ल्ड. इट जस्ट दैट कि हमारे अंदर एक वो एक सोच जो हमारी है वैसी होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर होना चाहिए, वो पॉजिटिविटी विच ऑलवेज कीप्स यू अलाइव, विच ऑलवेज कीप्स यू वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग. सो मुश्किल कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी इजी इफ यू थिंक, इट्स डिफिकल्ट इफ यू थिंक, यू नो, इट्स ऑल अप टू यू. सो आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज गॉड हैज मेड मी इन सच अ वे दैट एवरीथिंग इज हियर इन विच इज देयर इन मी. वो बस मुझे उसको निखारना है, निकालना है और दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, दैट्स इट. ओके जमीन, जैसे कि क्रिप ने गाना गाया है, इसमें आपको नहीं लगा कि आपको इसमें गाना गाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगा. मैं बहुत ही बुरी सिंगर हूँ. बिल्कुल भी ऐसे मेरे ड्रीम्स में भी नहीं लगा कि मुझे कभी गाना गाना चाहिए और ना मैं कभी गाऊंगी. ओके, काफी एक्सप्रेशंस दिखे हैं, काफी एक अलग एक रोमांटिक एक माहौल बना हुआ है, तो मतलब कितना मुश्किल था उसको करना? मुश्किल नहीं था, कुछ कुछ जगह में था जहाँ पे मैं डर रही थी, मैं नर्वस हो रही थी एक्टिंग करने के लिए, बट देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे रियल इमोशंस निकले हैं. और बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड एंड ही वॉज ऑपोजिट टू मी, वो एक्चुअली अंदर से अपने आप निकल आए. सो प्लस पॉइंट था, माइनस पॉइंट था? नहीं, इट वाज अ प्लस पॉइंट. जो मर्जी समझ यार. ओके, फिर आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस वीडियो के बनाने के लिए, क्योंकि डेब्यू कर रहे हैं, प्रेशर होता है, तो कितना प्रेशर था आपके पास? सी, जनरली आई रियली वर्कड अ लॉट बिकॉज़ आई वाज शूटिंग फॉर कलश दोस डेज. और सुबह 9 से लेके रात को 9, बालाजी का शो है तो सबको पता ही, 10 बजे तक 11 बजे तक शूट करता था. फिर उसके बाद इन बिटवीन ट्रैक को कंपोज भी करता, लिखता भी था, और बहुत सारी और भी चीज़ें हम लिखते रहते थे. आई कीप ऑन वर्किंग, आई डोंट वेस्ट वन सिंगल सेकेंड ऑफ माई. सो उस दौरान भी ये था कि रात को मैं पैकअप के बाद जाके म्यूजिक पर बैठता था, ट्रैक पूरी कहानी लिखता था, 4-4 बजे तक बैठ. आई डिड, आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट कि इट्स नॉट मी, इट्स समवेयर दैट बिहाइंड मी देयर इज अ सब्जेक्ट्स पावर दैट माई गॉड हु इज पुशिंग मी, सो आई एम डूइंग इट. बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई भी थी जब हमने पहली बार नरेट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर. 6 महीने लगे मुझे ट्रैक को पूरा रेडी करके, कहानी लिखने, पूरा एक एक चीज़ बनाने के बाद तब मैंने नरेट की थी. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट कि इफ़ योर होमवर्क इज़ वेरी गुड ना, सो देन आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन. तो आप किसी अपने जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बड़ी कमाल की होगी अगर आपने अपना वो प्रिपेयर किया है. तो वो 6 महीने के मेरे होमवर्क था मेरा. फिर जाके मैंने मकबूल भाई से मिला, मैं इनको नरेट किया, और हर चीज़ को जो बारीकी होती है उसको पूरा अच्छे से समझ के दिन हमने फ्लोर हिट किया, और अभी आप सबके सामने है ही है. और मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है यार, मेहनत मतलब अकेला इंसान मैं नहीं हूँ. आप जो कितनी मेहनत कर रहे हो, हमारे साथ आप भी बैठे हो बिना इसी के, सो दैट्स रियली इट्स आल्सो हार्ड वर्क यार. ओके, क्या 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 रेफरेंस लिए आपने? रेफरेंस कुछ नहीं लिए, मतलब आई डोंट, सब ओरिजिनल है, सब कहीं से कुछ रेफरेंसिंग नहीं की है. आई एम ऑलवेज बिलीव देयर इज लॉट ऑफ पीपल दे मेक कवर पेजेस आल्सो. आई बिलीव दैट आई विल नॉट एवर लाइक यू नो we will never come out with cover pages. Why? Because I believe in originality. I believe जो original हमें market दे सकता है वो cover page हमें नहीं देता, क्योंकि people will connect us with the same brand जो पहले था. और हम अपना original music लेके आना चाहते हैं, हम अपनी कुछ original चीज़ें लेके आते हैं आना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ जो होती है दुनिया को जीतती है. तो हम जीतेंगे दुनिया, क्योंकि हमारे पास सब कुछ original है, हम खुद original हैं. ओके सर, आपने क्या क्या तैयारी करी हुई है इस गाने को बनाने के लिए? कुछ मेरा होमवर्क पहले से शुरू हो गया था जब ये स्टोरी लिख रहे थे. सो ही यूज़ टू एक्सप्लेन मी एट होम कि ऐसा ऐसा है. और सेट पे भी दोनों खड़े थे मेरे बाजू में हर वक्त, तो मुझे इमोशन समझाते थे कि अब तुझे ये करना है, अब ये है, अब ये है. फॉर मी इट वॉज अ फर्स्ट थिंग कि मैंने पहला म्यूज़िक वीडियो किया, तो मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था, बट
to work with both these men made my life easy, and I think you guys will see it in the video. Sir, आपसे जानना चाहूँगा कितना वक्त लगा पूरे इस वीडियो को बनाने में? अरे यार पूछो मत, बहुत अभी भी देखो वक्त ही लग रहा है. जल्दी से रिलीज हो जाए और लोग देखना बस शुरू कर दें. It's downloaded. मतलब हम लोगों ने शायद I think it took us about a month to complete the entire shoot, starting from the first day when he met me and मेरे को इसने जो पूरा वीडियो गाना सुनाया, वीडियो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, वहाँ से लेके पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत टाइम लगा था. डेढ़ महीना लगा था. ग्राफिक्स सीजी वगैरह भी इसके अंदर है काफ़ी सारा. एंड वी शॉट इट ऑन ऑलमोस्ट लाइक फिल्म फॉर्मेट. वी शॉट इट ऑन फिल्म कैमराज. एलेक्सिया पे शूट किया हमने इसको. और शूटिंग हमने कुछ 4 या 5 दिन शूट किया था. और सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो हमारे साथ थी वो ये थी कि जिस सेट पर हम शूट कर रहे थे वो किसी और का सेट था बेसिकली. सुबह में उनकी शूट चलती थी नॉर्मल. जो हमारी वजह से थैंक्स टू दोस गाइस आल्सो कि दे रियली कोऑपरेटेड अ लॉट विद अस. ये वो 7 बजे की लगाई उन्होंने अपनी शूट. सुबह से 7 की शाम के 7 तक की रखते थे. नाइट में हम लोगों को शूट करना पड़ता. तो And I was shooting on the same set. Yeah. According to me, night, when you're shooting in the night, so your productivity also goes down little, a bit. More than that, that lethargy settles in. You know, people are tired. रात को 2 बजे आप romantic scene कर रहे हैं या तो आपको रोना है, emotion emote करने हैं. So it becomes difficult because नींद का hangover एक हो रहा होता है. So वैसे करके हमने 4 रातें वो जो निकाली थी वो बहुत भारी रात थी. लेकिन क्योंकि ये बंदा इतनी ज़्यादा passion के साथ में चीज़ों को कर रहा था और करवा रहा था कि पूरा यूनिट इसके साथ में खड़ा हुआ था कि नहीं बॉस. तो nobody was you know making us feel that you know we're tired, we've not slept or ऐसा वाला. So yes, those were difficult times. 4 days जो रात में निकली. I didn't sleep for 4 days. Yeah, this guy was shooting in the morning. Same set. Same floor पे और रात को हमारे videos के लिए shoot पे भी आ जाता था. उसमें production का काम भी देख रहा है, costume का भी सब ये handle कर रहा है. सब कुछ मतलब मैं फ्लोर संभाल रहा था. ये फ्लोर के बाकी की बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर शूट करना तो इजी काम है. वो कैमरा वो जो वहाँ ले जाके रखना, वहाँ तक जो पहुँचाने की जो मशक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. वो ये बंदा पूरा अकेला हैंडल कर रहा था. मतलब सो यू कैन इमेजिन ही मोर देन अस, मोर देन मी और एनीबडी, ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप इन ऑन दिस म्यूजिक वीडियो. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दीज गाइज दैट दे हैव कम ऑन बोर्ड एंड फाइनली This is going to see the light of the day, and thank you so much, Radhika. Mm-hmm. Yeah. Radhika, आपसे जानना चाहूँगा क्या आपका पहले reaction था जब आपने video देखा? I was very speechless actually. I didn't expect it. I was like, oh, because he just mentioned to me randomly, okay, I have this music video that I've worked on. I said, okay, I want to see it. But after that, I was like, oh my god, this is amazing, and this needs to get out. So and then the journey began from there. Okay, आपका क्या पहले reaction था video देखने के बाद? मेरा रिएक्शन था जो गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई वॉज शॉक दैट ही कम्पोज इट. बींग एन एक्टर हैविंग सेंस ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग इट ऑल्सो, सो इट वॉज वेरी शॉकिंग. एंड देन आफ्टर आई हर्ड द वीडियो, पहले मैंने ऑडियो सुना था, एंड देन आफ्टर आई सॉ द वीडियो इट वॉज जस्ट अमेजिंग. सो वी गॉट टुगेदर, आई पार्टनर्ड विथ हिम एंड वी स्टार्टेड द चैनल द म्यूजिक गुरुज एंड नाउ हियर इट इज़. जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, पुनर्जन्म दिखाया गया है, तो मतलब किस तरीके से उसका आइडिया है कि इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वीडियो को? सी इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट. हाँ, ये क्रिप का दूसरा जन्म हुआ है. सो ये मजाक में ले रहे हैं ये बात, बट दिस गाय दिस इज बेस्ड ऑन हिज रियल. या आई कीप ऑन गेटिंग ऑल द ड्रीम्स आई हैव शेयर्ड विद हर. सो द गर्ल हु इज प्लेइंग द गर्ल इन द वीडियो इज एक्चुअली हिम एंड आई थिंक आई एम द गाय. आई डोंट नो. No, that's not the idea. Excuse me. Yeah, she's chopped it off. So you said no for idea. I have to tell you from the See, idea kuch nahi tha. It's just that I wanted to make a very intense love story. And jisme log pyar karne wale bichhde bhi aur wapas mil bhi jaye. To bichhna ek painful aur intensity high and wapas milna bahut saalon ke baad. Veer Zara aaj bhi sirf isliye hit hai ki 22 saal guzar diye. अब मैं कैसे उसकी बेइज्जती करके निकल जाऊं. सो दैट नो दैट पेन एंड दैट बिकॉज़ प्यार का दूसरा नाम मेरे हिसाब से दर्द है. यू नो इट्स पेन. सो पेन हैज टू बी देयर, लव हैज टू बी देयर. पेन इज देयर, द लव इज देयर. एंड वो एक इंटेंसिटी को ज्यादा बढ़ाता है. तो उसके हिसाब से मैं सोचते ऐसा कुछ पर्टिकुलर थॉट नहीं था. एंड आई डोंट नो, आई गेट एन आइडिया एंड राइट. इट्स नॉट दैट कि मैं बैठता हूं और मुझे स्पेसिफिकली अपना दिमाग लगाना पड़ता है. समवेयर आई बिलीव दैट देयर इज समबडी
and I just get a click and I write. So Global Advertiser for innovative outdoor solutions.